A very pleasant morning to all my dear students. Today is the Thursday one and it is 4th of February 2021. As students, we are discussing about how to write paragraph writing. We have already do some examples related to paragraph writing, that is our visit to zoo, my school library. Then yesterday we have did that the festival of colors, Holi. Today one more new topic we will discuss, how to frame the paragraph writing, and the topic name is save trees. You might have that trees are very important for us. आप जानते हैं कि पेड़ हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने इम्पॉर्टेंट हैं. विदाउट दैम वी कांट सर्वाइव और वी कांट लिव. उनके बिना ना तो हम जी सकते हैं और ना ही हम रह सकते हैं. तो ट्रीज हमारे लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. विदाउट इट ह्यूमन बींग और एनिमल्स और एनी बर्ड्स कांट सर्वाइव. बिना इसके कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है. इट इज़ ए वेरी ब्यूटिफुल गिफ्ट ऑफ नेचर गिवन बाय गॉड. ये बहुत ही प्रकृति की बहुत ही अच्छी देन है जो हमारे भगवान ने हमें दी है. इसलिए बींग अ ह्यूमन बींग इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट इट, टू सेव इट. तो मानव होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि हम पेड़ों की रक्षा करें, उसकी सुरक्षा करें, उसका बचाव करें, ना कि उन्हें काटें और अपने पर्पस के लिए यूज करें. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाउ टू राइट द पैराग्राफ ऑन द टॉपिक सेव ट्रीज. सेव ट्रीज के बारे में आज हम पैराग्राफ लिखेंगे. ट्रीज आर द बेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर अस. ट्रीज सबसे अच्छा गिफ्ट है जो नेचर ने हमें दिया है, सबसे अच्छा गिफ्ट है. एंड दे मेक द एनवायरमेंट ब्यूटिफुल, नीट एंड क्लीन. वो एनवायरमेंट मीन्स हमारा वातावरण को बहुत ही अच्छा, खूबसूरत, साफ करती है. देन वाटर एंड सनलाइट आर वेरी इम्पॉर्टेंट टू हेल्प ट्रीज ग्रो. फॉर मेंटेनिंग बैलेंस द ट्रीज वी शुड रिक्वायर वाटर एंड सनलाइट. पेड़ों को बढ़ने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए पानी और सूरज की किरणें बहुत जरूरी होती है, राइट. देन वी कैन राइट ह्यूमन बींग्स गेट फूड फ्रॉम ट्रीज. ह्यूमन बींग्स गेट फूड, हमें फूड कहाँ से मिलता है? थ्रू ट्रीज, प्लांट्स लाइक दैट. सो वी कैन से दैट वी आर कंप्लीटली डिपेंड ऑन ट्रीज. हम पूरी तरह से पेड़ों पर निर्भर हैं, राइट. देन ट्रीज गिव्स अस वुड एंड शेड. पेड़ हमें क्या क्या चीज देते हैं देखते हैं. नंबर वन, ट्रीज गिव्स अस वुड, लकड़ी देते हैं. नंबर टू, इट गिव्स अस शेड, हमें छाया देते हैं. नंबर थ्री, इट गिव्स अस ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन दिया जाता है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है. एंड नंबर फोर, ट्रीज गिव्स अस मैनी थिंग्स विच इज नीडेड फॉर अस. बहुत सारी ऐसी चीजें देते हैं. सो ट्रीज कैन बी कॉल द बेस्ट फ्रेंड टू मैनकाइंड. तो हम इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं कि ट्रीज जो है हमारे बेस्ट फ्रेंड है एक तरीके, राइट. मैनी एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम लीव्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ग्रोन ऑन ट्रीज. नॉट ओनली ह्यूमन बींग डिपेंड्स ऑन ट्रीज बट एट द सेम टाइम एनिमल्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन इट. एनिमल्स भी ट्रीज पर डिपेंड है. एनिमल्स को फूड मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं. एंड वन मोर थिंग, बर्ड्स ऑल्सो नीड ट्रीज बिकॉज दे मेक और दे बिल्ड नेस्ट. वो अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं? पेड़ों पे बनाते हैं. इसलिए बर्ड्स को भी पेड़ों की जरूरत है, राइट. देन वी शुड स्टॉप कटिंग ट्रीज टू सेव नेचर. सो बींग अ मैनकाइंड और बींग अ ह्यूमन बींग, इट इज आवर मोरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट ट्रीज, टू सेव ट्रीज. जिस तरह समय बढ़ने के साथ साथ हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं अपने कॉमर्शियल पर्पस के लिए या किसी पर्सनल यूज के लिए, ये करना गलत है. सो हमें पेड़ों को काटना बंद करना होगा, क्योंकि ये सिर्फ ह्यूमन काइंड के लिए नहीं, एनिमल्स के लिए और बर्ड्स के लिए भी बहुत नेसेसरी है.
So we should have to stop cutting trees to save nature. Children and adults need to plant more trees and teach each other to stop it. बच्चों को और बड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाना चाहिए ताकि हम पेड़ की कटाव को रोक सकें. It is our morality to stop cutting and planting more and more trees. हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना है, इससे ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी हमें. Right? So we should have to plant more trees and teach each other to stop causing harm to nature. One tree can save many lives. एक पेड़ कई जनों की जानों को सुरक्षित कर सकता है. So being a human being, it is our moral duty to save trees. हमें पेड़ों को बचाना है, काटने से रोकना है. Right? So और हमारा ये फर्ज होता है कि हमें एक प्लांट करना चाहिए, साल में एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए. ठीक है ना? बिकॉज वन ट्री कैन सेव मैनी लाइव्स. एक पेड़ कई जानों को सुरक्षित कर सकता है. सो स्टूडेंट्स, वी हैव लर्न हाउ टू राइट अ पैराग्राफ ऑन सेव ट्रीज. तो हमने देखा कि किस तरह से हमने सेव ट्रीज के लिए पैराग्राफ लिखा. इसी तरह से अगर कोई दूसरा टॉपिक आता है तो आप उससे रिलेटेड कई पॉइंट्स लिख सकते हैं. मैंने बताया था आपको किस तरह से आपको पैराग्राफ लिखना है. इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन होना चाहिए, देन यू हैव टू एंड अप बाय क्लोजिंग इट, और उसकी कंक्लूजन होना चाहिए. सो आई होप व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड इट मस्ट बी क्लियर टू यू. थैंक यू सो मच.